हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। तो आज आपके लिए जॉब अपडेट है। कहाँ से आई आपकी? एनसीएल, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। तो ये जॉब किसके लिए है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल हैं, कितने सीट अवेलेबल हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, चलिए देखते हैं। मैं रत्नेश कुमार पांडे, एज यूजल, चलिए देखते हैं आपका एनसीएल की जॉब है। ये आपकी मिनी रत्ना कंपनी है और आपका रेगुलर बेसिस जॉब है। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 तारीख को ये आया हुआ था, थोड़ा डिले हुआ है। सो आप जानते हैं क्लासेस चलती रहती हैं आपकी, क्लासेस में ले रहा हूँ सब कुछ वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है ये, तो चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको न्यूज़ मिलनी चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपका पहला पॉइंट क्या होता है, क्वालिफिकेशन, मीन्स इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी। तो आपका दो पोस्ट निकली हैं। पहला आपका है जो असिस्टेंट फॉरमैन की है, ENT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। इसमें आपका 10th तो कंपलसरी है, 10th तो आपको करना ही करना है। उसके बाद आपका डिप्लोमा या आप हायर डिग्री आपके पास हो, मीन्स डिप्लोमा तो आपका कंपलसरी है ही है। मीन्स अगर आपका डिप्लोमा है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर डिप्लोमा नहीं, आपके पास बीटेक भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि डिप्लोमा और रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन, मिनिमम 3 ईयर्स कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपका डिग्री। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से बीटेक वाले जो डिग्री होती है कौन सी एलिजिबल है। ओके, डिप्लोमा तो है ही आपकी, नो डाउट। नेक्स्ट आपका बात करते हैं मैकेनिकल के लिए भी सेम है, असिस्टेंट फोरमैन के लिए है। इसमें भी आपका वही डिप्लोमा और बीटेक अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, नहीं तो आप कमेंट पूछे सर किसके लिए है किसके लिए नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, जो हमारे ITI के भाई बहन हैं उनके लिए। टेक्नीशियन फिटर में आपका पोस्ट है, आपका इलेक्ट्रिशियन में पोस्ट है, टर्नर में आपका पोस्ट है, मशीनिस्ट में है और आपका वेल्डर में है। ये आपकी जो 5 ब्रांचेज आपको दिख रही हैं इनमें आपका पोस्ट अवेलेबल है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, ITI आपका होना कंपलसरी है, ITI प्लस आपका 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है। ये दोनों चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये हुआ कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आगे बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपका फर्स्ट नंबर जो है इसमें आपकी टोटल 7 वैकेंसी हैं, और आपका मैकेनिकल में दो आपकी ब्रांचेज हैं, एक्चुएशन में आपका और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला के आपका है 47 एंड 25 वैकेंसीज हैं, ठीक है। टोटल कितना तक आपका, ये नियर अबाउट आपका आ जाएगा 72 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। आगे चलते हैं फिर। अब आपका फिर है फिटर में, देखिए आप तो फिटर में आपका 125 और 24 पोस्ट हैं टोटल, 125 प्लस 24, इसको आप ऐड करिए तो आपका टोटल पोस्ट ये हो जाएंगी। तो इसको देख लेते हैं कितनी पोस्ट हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिटर में आपकी 149, 149 सीट आपकी हैं, और इलेक्ट्रिशियन में आपका 174 के अबाउट आपकी वैकेंसीज हैं, 174 नियर अबाउट आपका, ठीक है। अब इसमें आपका जो रिजर्वेशन वाली सीटें हैं वो आपकी अलग हैं, तो 174 यानी 174 आपकी ये हैं, प्लस आप 600 वैकेंसी आपकी UPSL TG2 में आई हुई हैं। तो आप तैयारी कर ही रहे हैं TG2 की, तो आप लगे हाथ इसको भी फॉर्म भर देंगे तो आपका ये भी साथ में चलता रहेगा। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर जो हमारे ITI के इलेक्ट्रिशियन जो भाई बहन हैं जी, जो तैयारी कर रहे हैं किसकी, TG2 की, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म आया है, पेपर होगा, कब होगा वो तो गवर्नमेंट जानती है, आप जानती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है क्लेरिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया ना कि डिप्लोमा या हायर डिग्री, डिप्लोमा हो या आपके पास बीटेक की डिग्री हो, उसमें इन्होंने बोल रखा है कि भाई कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि क्लेरिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा फॉर सुपरविजरी पोजिशन, जो आपकी दो पोस्ट थी ऊपर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की और मैकेनिकल की। तो उसमें उन्होंने बोल रखा है कि अगर आपका ENT है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तो आपका जो एसेंशियल रिक्वायर्ड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका होना कंपलसरी है। अगर आप डिप्लोमा नहीं है, आप बीटेक हो या बीटेक हो आप सपोज दैट, तो आपका हायर क्वालिफिकेशन एंड ब्रांचेज आपकी कौन सी होंगी, या तो आप इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका होना चाहिए इन्हीं में से, ठीक है। अब कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल नहीं है, जो आपके डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो चाहे BE हो, ठीक है, ये ब्रांचेज आपकी अवेलेबल नहीं, मतलब कि अलाउ नहीं है, एलिजिबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन कॉम्बिनेशन विद एनी ऑफ एबव ब्रांचेज और डिप्लोमा इन एनी अदर ब्रांच अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट एलिजिबल। मीन्स अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन है तभी आप फॉर्म फिलअप करिएगा। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से हैं, अदर कोई ब्रांचेज और की हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अलावा, उसको आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है, तो ये आपका क्लेरिफाई हो गया।
सेम भाई मैकेनिकल इंजीनियर आपका है, मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए, आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन थर्मल मैनुफैक्चरिंग में जो आपकी डिग्रीज होती हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। खासकर ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से प्रॉपरली, क्योंकि आप कन्फ्यूज रहते हो सर कि क्या एलिजिबल है क्या एलिजिबल नहीं है। तो आपकी ये एलिजिबल नहीं है आपकी, ठीक है, ये सब आपके ब्रांचेस एलिजिबल नहीं हैं। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका है। फिर आपका एज लिमिट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है आपका एज लिमिट, इसमें देखिए तो क्या है आपका मिनिमम 18 ईयर्स और आपका मैक्सिमम 30 ईयर होना कंपलसरी है। मतलब कि 30 ईयर्स ऊपर गए आप तो नहीं भर सकते, आप 30 ईयर्स नीचे हैं तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है, छूट मिलती है, तो अनरिजर्व है या EWS में है तो आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल, अगर आपका OBC हैं तो आप 3 साल, PWD हैं तो आपका जैसे मिलता है आपको एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज आपको वैसा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नॉर्मली क्या 30 ईयर आपका होना है, मतलब कि 18 से 30, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। आगे बात करते हैं जो एप्लीकेशन फ़ी है इसकी कितनी है। अनरिजर्व OBC और EWS के लिए फीस जो आपकी है वो 500 रुपीज़ है। अगर आपका SC ST और कोई भी कैटेगरी है तो आपका नील है, ठीक है, तो आपका जो होगा क्या है आपका एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये फीस आपका लगने वाला है। और आपका जो फीस होगा वो ऑनलाइन मोड होगा, यहाँ फिर नोट है आपका 1, 2 एंड 3 क्या है, 2 में बोल रहे हैं कि फीस अगर आपने पे कर दी दोबारा, तो अगर आपने पे कर दिया तो वो रिफंड नहीं होने वाला है। जो भी टैक्सेस लगेंगे आपके बैंक के चार्जेस जो लगेंगे वो आप पे करेंगे, जो आप जानते हैं एजुअल, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपका 500 रुपये इंपॉर्टेंट था। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा आपका, एलिजिबल कैंडिडेट मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द क्रूशियल डेट एज स्पेसिफाइड अंडर दिस नोटिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर अ रिटर्न फॉर अ रिटर्न टेस्ट। आपका रिटर्न टेस्ट होगा, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स रिलेटिव स्कोर इन द रिटर्न टेस्ट। आपका रिटर्न टेस्ट होना है, ठीक है। आगे हम बात करें तो सिंपल उन्होंने बोला है कि भाई कैंडिडेट्स अलाउ इन रिटर्न टेस्ट मेयरली बेसिस ऑन द डिग्रेशन, आपका जो भी एलिजिबिलिटी आपने मेंशन की है वो सब आपको, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप रिटर्न टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो, आप रिटर्न टेस्ट दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेन आपका इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न टेस्ट में आपका टेक्निकल कैसे आने वाला है, नॉन टेक कैसे आने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाला है और कितना आपका टाइम मिलने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं फटाक से। तो आपका 100 मार्क्स का होगा और आपका 90 मिनट्स के लिए होगा, ठीक है, 100 मार्क्स 90 मिनट, समझ गए, क्लियर। आपका दो पार्ट्स में होगा पेपर, जो होगा वो आपका पार्ट ए जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा, जो टेक्निकल होगा प्योरली टेक्निकल 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स जो आपके होंगे पार्ट बी में वो होगा जनरल सेक्शन। अब जनरल सेक्शन आप जानते ही हैं क्या होता है आपका, यहाँ पे रखा उन्होंने जनरल सेक्शन में, जनरल में आपका जैसे हो गया जनरल इंटेलिजेंसी, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एट्सेट्रा, अब एट्सेट्रा बोल दिया है तो ये कुछ भी दे सकते हैं, तो इसलिए ये लोग बस फंसाने के लिए आप रखते हैं एट्सेट्रा, मतलब वो कुछ भी भर सकते हैं एग्जाम में, आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते फिर। तो याद रखिए जो नॉर्मली होता है आपका सिलेबस मोस्टली एग्जाम्स में वही आपका, यानी 70% आपका हो गया क्या टेक्निकल और आपका 30% हो गया नॉन टेक, ठीक है। तो क्या होगा रिटर्न टेस्ट आपका जो है वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कैसा होगा रिटर्न टेस्ट आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 4 choices होंगे, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। बहुत अच्छी बात, मतलब आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपने रॉन्ग आंसर कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आगे पढ़े देखते हैं, क्वेश्चन बुकलेट, बुकलेट आ गया इसका मतलब आपका ऑफलाइन होने वाला है, चलिए देखते हैं क्या है। ऑफलाइन मतलब कि सॉरी, क्वेश्चन बुकलेट विल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद सेपरेट OMR sheet, इट मीन्स आपका ये ऑफलाइन एग्जाम है, आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कारण क्या, देखिए ऑफलाइन में आपको बबल्स भरने होते हैं, आपको बबल्स भरने हैं, 100 मार्क्स है तो ऑब्वियस बात है 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चन भरने के लिए कम से कम आपको 10 मिनट चाहिए, इसका मतलब 90 मिनट ना हो कि आपका 80 मिनट आपके पास बचा रहेगा, क्योंकि बबल भरना होता है, उसको भरेंगे आप तो उसमें आपका टाइम लगता है, अगर आपने गलती से भी इधर उधर कर दिया तो आपका सब मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ टफ हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे इन सब बारे में जब बात करेंगे एग्जाम की तैयारी जब करेंगे तब, ठीक है। तो क्या इन्होंने स्टार्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, तो आपका ये क्या, यहाँ से क्या देखा आपने, यहाँ आपका 90 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन करने हैं, 70% आपका आएगा टेक्निकल, 30% आपका नॉन टेक आएगा, नॉन टेक में आपका जनरल जो आता है मेंटल एबिलिटी इंटेलिजेंसी एप्टीट्यूड आता है वो आपका आएगा, आपका जो ये पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी आपको बबल्स भरने हैं और आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है। आगे बढ़ते हैं, आपका रिटर्न टेस्ट जो होने वाला है वो क्या होगा, कंडक्टेड डिफरेंट सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली आपका MP में और डिस्ट्रिक्ट आपका सोनभद्र, यानी कि यहाँ पर आपके रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। फिर डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन कितने हैं कैसे हैं, तो उस हिसाब से वो फिर क्या करेंगे, आपको सेंटर्स भी अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा वो कह सकते हैं। फिर आपका है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, क्या होगा आपका मेरिट पैनल बनेगा आपका स्पेशली, लेकिन उन्होंने बोल रखा है कि मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम में
चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, चाहे आपका वो फोरमैन वाला पोजीशन हो, चाहे आईटीआई वाले बच्चे हो, सबको 100 में से अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50 मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर एस सी एस टी ओ बी सी हैं तो आपको 40 मार्क्स लाने हैं। मीन्स 100 में से 50 अगर आप लाते हैं तो ही आप क्वालिफाई माने जाओगे, लेकिन उसके बाद भी मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं कि आप 100 में से 60 पा गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं, 100 में 50 आपको लाना ही लाना है। अगर 100 में से 50 आप नहीं लाते हो तो आप वैसे ही बाहर हो, ठीक है, अपने आप को बाहर समझो। अगर 100 में 50 आपके आते हैं, आप 60 पा गए हैं, तो आपकी फिर एक सेपरेट मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप अनरिजर्व हैं तो 50 नंबर, अगर एस सी एस टी है तो आपको 40 नंबर लाने ही लाने हैं आपके एग्जाम में। सेक्शन कट ऑफ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे होता नहीं बहुत सारे एग्जाम्स में कि टेक्निकल में अलग पास होना है, नॉन टेक में अलग पास होना है, इसमें ऐसा नहीं है। उन्होंने बोल रखा है ओवरऑल, यानी 100 में से 50 नंबर आपको लाने हैं। 70 नंबर आपका टेक्निकल हो गया, 30 नंबर आपका नॉन टेक हो गया। आगे हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या आपकी हैं। भाई आपका 3/8 से ये स्टार्ट होगा, 3 अगस्त से आपका ये फॉर्म होना, मतलब ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, और 25 तक आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेरीज आएंगी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत रहेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इंपॉर्टेंट बात आपने देख ली हैं, यही सब इंपॉर्टेंट बात होती है। बाकी मैं पीडीएफ इसकी आपको मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। याद रखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपके पास डिप्लोमा और बीटेक भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट ट्रेड जॉब का है उसको देखते हुए। चलिए, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर मैं उनको बोलूँगा जो यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी फ्लो में हैं, इलेक्ट्रिशियन के ही फ्लो में हैं, और आपका एग्जाम ये भी आ गया है, तो आप इसी सलाह लगे हाथ निकाल देंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो कुछ मेरी चैनल की बात करता हूँ मैं। डेली क्लास हमारे यहाँ होती है, पीडीएफ आपको मिल जाती है, टेलीग्राम ग्रुप है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चंस होते हैं। यूथ बुक आपका सोल्यूशन चल रहा है, अभी रिसेंटली आपका मैग्नीशियम खत्म हो चुका है, चुंबक और चुंबकत्व तो खत्म हो चुका है आपका चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर आपका जो चल रहा है अभी करंट में वो चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, वो भी खत्म होने वाला है MCQ यूथ बुक के, ठीक है, ओके। थ्योरी पार्ट जो आपका है वो मंडे से मे भी स्टार्ट होगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी पार्ट। जिसको इलेक्ट्रिशियन का ई भी नहीं आता है, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पक्का इलेक्ट्रिशियन का ई तो आ जाएगा, भले कुछ ना है लेकिन ई तो आपको आ जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। एक ही मेथड बुक भी हम प्रीफर करते हैं, जो भी आपकी है। आईटीआई लेवल बात कर रहा हूँ मैं, आईटीआई की बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर बीटेक, नॉट फॉर डिप्लोमा, ठीक है। मैं आईटीआई की बात कर रहा हूँ, अगर डिप्लोमा बीटेक वाले रहेंगे तो उनको भी व्यवस्था की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये टेलीग्राम चैनल है QTech ITI नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF की लिंक मिल जाएगी, वीडियो नीचे मैं आपको दे दूँगा, जो आपका नेक्स्ट वीडियो आप जानते चैनल वगैरह अकेडमियन से इसमें आप देख सकते हैं 6 to 12 की क्लासेस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर क्लासेस में। एज वेल आपका जो क्लास चलता है आप जानते ही हैं टाइमिंग क्या है, ठीक है, और मंडे से ट्राई करेंगे लाइव आने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।